ओके का जो क्लास बेसिकली मैथमेटिक्स फिजिक्स रिलेटेड है, और मैथमेटिक्स फिजिक्स रिलेटेड में जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ाई किए थे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसका हम लोग एडवांस पार्ट अभी देखने वाले। एडवांस पार्ट बेसिकली, एडवांस पार्ट में बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एडवांस पार्ट, एडवांस पार्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक ठीक है, एडवांस पार्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसका हम लोग एडवांस पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। बेसिकली एडवांस पार्ट में बेसिकली क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ रेसिड्यू थ्योरम। जो रेसिड्यू थ्योरम हम लोग पढ़ाई किया, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, उसका हम लोग एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ रेसिड्यू थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ रेसिड्यू थ्योरम। देखिए इस एप्लीकेशन में बेसिकली क्या क्या एप्लीकेशंस है, डिफाइन डेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना होगा, डेफिनाइट इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना होगा, मतलब डिफाइन करने वाले। ओके लेट्स स्टार्ट। डिफाइन करने वाले बेसिकली डेफिनाइट इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व करेंगे रेसिड्यू थ्योरी में अप्लाई करके। डेफिनाइट इंटीग्रल बेसिकली क्या, किस टाइप का डेफिनाइट इंटीग्रल सॉल्व करना है, 0 to 2 pi फंक्शन ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा डी थीटा, इसका वैल्यू हम लोग, इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली क्या होगा इस टाइप का वैल्यू, एक टाइप का एप्लीकेशन से। सेकेंड टाइप का इंटीग्रेशन, डिफाइन इनडेफिनाइट इंटीग्रल, इनडेफिनाइट इंटीग्रल, इसको आपको सॉल्व करना होगा। किस टाइप का इंटीग्रेशन होगा, बेसिकली माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स dx, इस टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। बेसिकली आज का क्लास में हम लोग फर्स्ट टाइप को हम लोग देखेंगे, और कल का क्लास में हम लोग सेकेंड टाइप को देखेंगे। आराम से यही दो एप्लीकेशन बेसिकली बचा हुआ है, और एक एडवांस पार्ट है बेसिकली एप्लीकेशन नंबर 3 में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली ब्रांच काट के बारे में पढ़ाई करेंगे। ब्रांच काट थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, ब्रांच काट। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस आया था बेसिकली नेट का जो एग्जाम है 2018 में, इस बार ब्रांच कार्ट से एक बार क्वेश्चंस आया था बेसिकली, जो नेट का एग्जाम था, नेट का एग्जाम का 2018 में ब्रांच कार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बेसिकली पूछा था। तो बेसिकली थ्री एप्लीकेशंस, दीज आर द एडवांस टॉपिक, हम लोग इस थ्री एडवांस टॉपिक को अभी सीखेंगे। फर्स्ट आप हेडिंग डालिए, डेफिनाइट इंटीग्रेशंस का कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशंस, कैलकुलेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रल हम लोग इसमें फोर टाइप देखने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इलाबोरेटली सारे कैलकुलेशन देखेंगे, और इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोग जानने का कोशिश करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, इस सारे इंटीग्रेशन आपको ट्रिक से हो जाएगा, पर एक बार आप सारे कैलकुलेशंस को एक बार देख लीजिए। ठीक है, सारे कैलकुलेशंस को एक बार देख लीजिए। तो कैलकुलेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, इसमें आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, फोर टाइप का इंटीग्रेशन बेसिकली करना है। टाइप 1 फर्स्ट ऑफ ऑल आप डाल दीजिए टाइप 1। टाइप 1 में बेसिकली क्या है, बेसिकली 0 से लेके 2 pi d थीटा a प्लस बी कॉस थीटा, और 0 से लेके 2 pi डी थीटा ए प्लस बी साइन थीटा, ए प्लस बी साइन थीटा। दोनों में से दोनों का रिजल्ट बेसिकली सेम आने वाला है, दोनों का रिजल्ट बेसिकली आपको सेम मिलेगा। इस टाइप का इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपको देख के सॉल्व करना चाहिए,
देख के ही आपको सॉल्व कर देना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, देख के ही आपको सॉल्व कर देना चाहिए। बट आप याद रखिए, मैंने एक इंट्रीगेशन का लिमिट यहाँ पे लिखा, जो लिमिट लिखा बेसिकली जीरो से लेके टू पाई, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन में जीरो से लेके पाई गिवन है तो आप उसको पहले जीरो से लेके टू पाई में कन्वर्ट कीजिए, देन जो रिजल्ट आपको मिलेगा अभी उसको अप्लाई करना है बेसिकली, ठीक है। अगर इंट्रीगेशन का जो लिमिट जीरो से लेके पाई क्वेश्चन में गिवन होता है तब क्या करना होगा आपको, उस इंट्रीगेशन को जीरो से लेके पाई को आप जीरो से लेके टू पाई में कन्वर्ट करिए, देन आप जो रिजल्ट आपको मिलेगा अभी देन उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले इस इंट्रीगेशन का रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्या होगा, सेम रिजल्ट मिलेगा, दोनों का रिजल्ट आपको सेम ही मिलने वाला है, दोनों का रिजल्ट बेसिकली आपको सेम मिलेगा। चलिए हम लोग फर्स्ट टाइप को देखते हैं, फर्स्ट टाइप को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप को हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टाइप ले लेते हैं हम लोग, सेकेंड वाला पार्ट ले लेते हैं सबसे, इसमें आपको फंसने का चांस है बेसिकली, जो ए प्लस बी साइन थीटा इस इंटीग्रेशन में आप फंस सकते हो। कॉस थीटा वाला बहुत इजी है, आप लोग खुद से कर लोगे इसको, डोंट वरी। बट साइन थीटा में थोड़ा सा दिक्कत होता है स्टूडेंट को, उसी के ऊपर बात करते हैं बेसिकली, ठीक है, उसी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। टू पाई डी थीटा ए प्लस बी साइन थीटा, बट यहाँ पे एक बात लिख के रखिए, यहाँ पे एक बात लिख के रखिए, ए का वैल्यू ऑलवेज बी से ज्यादा होगा, ओके, ए का वैल्यू ऑलवेज बी से ज्यादा होगा, ओके, होना चाहिए, होता भी है, ज्यादा होता भी है, ए का वैल्यू बी से लार्ज होता है बेसिकली, ठीक है, होता भी है, टाइप वन, ठीक है, टाइप वन। तो इसका रिजल्ट आपको कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको पुट करना होगा, पुट जेड इक्वल्स टू ई टू दी पावर आई थीटा फॉर यूनिट सर्किल, और यूनिट सर्किल मतलब रेडियस वन है, वन रेडियस का एक सर्किल में आप जेड का वैल्यू एज्यूम कीजिए, जेड का जो पोलर फॉर्म है बेसिकली कोई हम लोग लिखा बेसिकली, ठीक है, जेड इक्वल्स टू आर ई टू दी पावर आई थीटा होता है, आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्किल, बट हम लोग यहाँ पे आर का वैल्यू वन चूज किया, जेड इक्वल्स टू ई टू दी पावर आई थीटा, ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव कर लीजिए, डी जेड का वैल्यू बेसिकली क्या होगा, आई ई टू दी पावर आई थीटा डी थीटा, सो बेसिकली डी थीटा का वैल्यू क्या आया, बेसिकली डी जेड अपॉन आई ई टू दी पावर आई थीटा, मतलब आपको मिलेगा डी जेड अपॉन आई जेड, ओके, ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट आप देखिए, आपको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, साइन थीटा का मतलब बेसिकली क्या होता है, साइन थीटा का मतलब होता है ई टू दी पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर आई थीटा अपॉन टू आई होता है, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली वन अपॉन टू आई ई टू दी पावर थीटा मतलब जेड, और ई टू दी पावर माइनस थीटा मतलब वन अपॉन जेड, बस इसको आपको डालना है उस इंट्रीगेशन में। अभी देखिए मुझे इंट्रीगेशन से जेड के फॉर्म में आ गया, ठीक है, जेड के फॉर्म में आ गया, सुना हो, जो अभी इंट्रीगल मिला आपको, दिस इज नथिंग बट सी यूनिट, सी का सी मतलब एक सर्कल का इक्वेशन से, और जो सर्कल का रेडियस क्या है, वन है, ठीक है, यहाँ पे जो सी है ना एक सर्कल का इक्वेशन से, और जो सर्कल का जो रेडियस है वन है, हम लोग इसमें इसको कन्वर्ट कर लिया बेसिकली, ठीक है, ओके, सुना हो, डी थीटा का जो वैल्यू होगा, दिस इज नथिंग बट डी जेड अपॉन आई जेड, नाउ ए प्लस बी साइन थीटा, सो ए प्लस बी साइन थीटा का मतलब बेसिकली क्या है, वन अपॉन टू आई जेड माइनस वन अपॉन जेड, सो दिस इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, डी जेड अपॉन आई जेड अपॉन आपको मिलने वाला है टू आई ए जेड प्लस बी जेड स्क्वायर माइनस बी इंटू टू आई जेड मिलेगा, ठीक है, ए मिलेगा बेसिकली, टू आई जेड आपको मिलने वाला है, ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू आई जेड, आई जेड देखिए एक दूसरे कैंसिल आउट किया है ना, यहाँ पे जो आई जेड वाला टर्म और ए वाला आई जेड वाला टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट किया बेसिकली, ठीक है, सो फाइनली जो रिजल्ट आपको मिलेगा टू डी जेड अपॉन बी जेड स्क्वायर प्लस
टू आई ए जेड माइनस बी, आपका रिजल्ट बेसिकली इस स्टाइल में मिला बेसिकली, ठीक है। अब अभी डिनोमिनेटर से बी कॉमन ले लीजिए, बी को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, बी को आप कॉमन ले लीजिए, सो रिजल्ट मिलेगा जेड स्क्वायर प्लस टू ए आई बी इंटू जेड माइनस वन, और बाहर में एक बी होगा, ठीक है, ओके। अभी आपको ये वाला एक फंक्शन मिला, सो मतलब आपको एक फंक्शन मिला, बेसिकली क्या फंक्शन मिला, वन अपॉन सी एफ ऑफ जेड डी जेड, और एफ ऑफ जेड बेसिकली क्या है, एफ ऑफ जेड का वैल्यू बेसिकली आपको मिला टू अपॉन जेड स्क्वायर प्लस टू ए आई अपॉन बी जेड माइनस वन, बस इसी को रेसिड्यू थ्योरी में अप्लाई करके आपको सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोल कैलकुलेट करना है इस फंक्शन का, डिनोमिनेटर टर्म को आप जीरो कर लीजिए और इससे आप पोल कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए पोल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, पोल कैलकुलेट कर लेते हैं। पोल बेसिकली क्या होगा, डिनोमिनेटर पार्ट को आपको जीरो करना होगा। फॉर पोल कैलकुलेशन, फॉर पोल कैलकुलेशन, फॉर पोल कैलकुलेशन, आपको एग्जाम में इतना बड़ा कैलकुलेशन करना ही नहीं है, बस एक बार सीख लीजिए स्टाइल को, एग्जाम में आपको ट्रिक यूज करना है, ठीक है, डोंट वरी। अब देख लीजिए, डिनोमिनेटर पार्ट को आप जीरो कर लीजिए, टू ए आई अपॉन बी जेड माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू जीरो, आप लगा दीजिए श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला है उसको लगा दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। सो रिजल्ट मिलेगा जेड इक्वल्स टू माइनस टू ए आई अपॉन बी अपॉन प्लस माइनस रूट अंडर माइनस फोर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर होगा, और डिनोमिनेटर में आपको टू मिला बेसिकली, ओके, ठीक है। बाप अब टू कैंसिल आउट किए एक दूसरे से, ए आई अपॉन बी प्लस माइनस रूट अंडर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन मिला बेसिकली, ओके, ठीक है। अभी देखिए जेड का वैल्यू आपको टू मिला, एक जेड का वैल्यू को आप अल्फा डाल दीजिए और अल्फा का वैल्यू लिख लीजिए ए आई अपॉन बी प्लस रूट अंडर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वन एनदर रूट जेड इक्वल्स टू बीटा दिस इज इक्वल्स टू ए आई माइनस बी माइनस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन। बट आपको इसमें से देखना होगा कौन सा वाला पोल बेसिकली यूनिट सर्कल के अंदर लाई होगा, है ना। अभी आपको क्या चेक करना है, इस अल्फा और बीटा में से कौन सा पोल बेसिकली उस यूनिट सर्कल में होगा, आपको देखना है किसका वैल्यू वन से कम होगा, किसका वैल्यू वन से कम होगा, अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू, बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए, कॉमन सेंस यूज कीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके बताइए, अल्फा का वैल्यू वन से कम होगा और बीटा का वैल्यू वन से कम होगा, मॉड वैल्यू लेना है, मॉड अल्फा और मॉड बीटा दोनों का वैल्यू बताइए, किसका वैल्यू बेसिकली वन से कम होना चाहिए, अल्फा और बीटा इसमें से किसका वैल्यू वन से कम होना चाहिए, बीटा में माइनस है दोनों टर्म, ऐड होगा उसमें सब्सट्रैक्शन होगा, आराम से देखिए इसमें सब्सट्रैक्शन होगा, किसका वैल्यू ज्यादा है, बीटा का वैल्यू ज्यादा है कि अल्फा का वैल्यू ज्यादा है, मॉड वैल्यू, कॉमन सेंस यूज कीजिए थोड़ा सा, अल्फा, एग्जैक्टली अल्फा है ना, सो अल्फा का वैल्यू, ये जो अल्फा का वैल्यू है ना, अल्फा का जो मॉड है इट इज लेस देन वन और बीटा का जो मॉड वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन वन, मतलब कौन सा वाला पोल बेसिकली इस कंट्री में लाई होगा, अल्फा है ना, अल्फा बेसिकली इस कंट्री में लाई होने वाला है, ओके, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा इस कंट्री को यहां पे रिप्रेजेंट करने वाले, देखिए यूनिट सर्कल का एक कंटूर ड्रॉ कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप एक यूनिट सर्कल का कंटूर ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज सी, और यहाँ पे जेड इक्वल्स टू अल्फा है और यहाँ पे जेड इक्वल्स टू बीटा है, सो बेसिकली जेड इक्वल्स टू अल्फा के लिए आपको रेसिड्यू मिलने वाला है, ठीक है,
जेड इक्वल्स टू अल्फा के लिए आपको बेसिकली रेसिड्यू मिलने वाला है. सो वी गेट रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू अल्फा. सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू अल्फा जेड माइनस अल्फा इंटू एफ ऑफ जेड. एफ ऑफ जेड का मतलब क्या है बेसिकली देखना है टू अपॉन जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा. हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखा बेसिकली. ओके लिख सकते हैं हम लोग आराम से इसको लिख लीजिए. तो बेसिकली जेड माइनस अल्फा एक दूसरे से कैंसिल आउट किया. सो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, टू अपॉन अल्फा माइनस बीटा मिला बेसिकली. ठीक है, अल्फा माइनस बीटा आपको मिला बेसिकली. हाउ कैन वी से अल्फा एंड बीटा विल लाई ऑन रियल एक्सिस. अच्छा देखिए, आराम से देखिए, यहां पे ए का वैल्यू एक सेकेंड बता देते हैं. ए और बी रियल वैल्यू में नहीं होगा शायद. ठीक किया, ऐसा नहीं है. यहाँ पे ए आई प्लस बीटा भी है, रियल में नहीं होगा. ठीक है रियल में नहीं होगा, इस टाइप का कुछ पॉइंट में होगा. चलिए बार में ही होगा. ठीक है डोंट वरी, रियल में नहीं हो सकते, हो भी सकता है बट नहीं होने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां पे ए आई अपॉन बी वाला है. हाँ इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है. कॉस में रियल में होगा. ठीक है, जो कॉस थीटा उसमें सारे वैल्यू रियल में होगा बट साइन में सारे वैल्यू इमेजिनरी एक्सिस और इमेजिनरी प्लेन में होगा. यस इसी को आप लिख लीजिए. जेड इक्वल्स टू अल्फा वाला पॉइंट है, जेड इक्वल्स टू बीटा वाला पॉइंट. ठीक है, तो देखिए आपका जो रेसिड्यू मिला बेसिकली टू अपॉन अल्फा माइनस बीटा. सो दिस इज इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू डाल दीजिए क्या है बेसिकली ए आई माइनस बी प्लस रूट अंडर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन माइनस माइनस प्लस ए अपॉन बी प्लस रूट अंडर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन. ए अपॉन बी एक दूसरे से कैंसिल आउट किया. ओके, सुनाओ द फाइनल रिजल्ट आपको मिलने वाला है टू इंटू रूट अंडर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन. टू एक दूसरे से कैंसिल आउट किया. सो आपका रिजल्ट आपको मिलने वाला है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी. ओके, बट यहाँ पे ए का वैल्यू बी से ज्यादा था, है ना. सो बेसिकली आप यहां से एक माइनस कॉमन ले लीजिए, आपका रिजल्ट मिलेगा बी अपॉन आई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, है ना. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मिलने वाला है. ठीक है, ओके. सुनाओ आपको जो इंट्रीगेशन का वैल्यू आपको ऑलरेडी मिला और आपको यहाँ थोड़ा सा केयरफुल होना है. देखिए बाहर में 1/b था, जो इंट्रीगेशन था ना उसमें एक बार चेक कीजिए, 1/b एक बाहर में था. ठीक है, सुनाओ अकॉर्डिंग टू कॉची रेसिड्यू थ्योरीम आपको रिजल्ट मिलेगा, जो इंट्रीगेशन का वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू मिलेगा 1/b इंटू 2πi इंटू बी अपॉन आई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आई कैंसिल आउट कीजिए, बी कैंसिल आउट कीजिए, आपका रिजल्ट आपको मिलने वाला है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. चलिए इसको याद रख लीजिए. ठीक है, दोनों के लिए सेम होगा. सो अब इसको आज के बाद आपको याद रखना होगा, जो इंट्रीगेशंस होता है बेसिकली जीरो से लेके टू पाई के लिए वाला वैल्यू है. ओके, इसको आप याद रख लीजिए, फर्स्ट वाला जीरो से लेके टू पाई
डी थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा टू पाई अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पे ए का वैल्यू बी से ज्यादा होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप आप लिख लीजिए जीरो से लेके टू पाई डी थीटा ए प्लस बी साइन थीटा, इसके लिए भी आपको रिजल्ट मिलेगा टू पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे टू पाई है। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन में जीरो से पाई गिवन है, शायद देख लीजिए क्वेश्चन ऐसा भी था, नेट का क्वेश्चन ही था शायद, मे बी चेक कर लीजिए, मैं एक बार करवा देता हूं उस टाइप का क्वेश्चन, शायद एक बार नेट में इस टाइप का क्वेश्चन शायद क्वेश्चन पूछा था। हाँ देख 2020 में देखिए एक बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट इसी फॉर्म को आपको पूछा था। अब देख लीजिए, डोंट वरी, इसको आप एक बार देख लीजिए, हो जाएगा, बाद में देख लेना। ठीक है, बाद में ही देख लेते हैं। ठीक है, जो जून 2019 में जो क्वेश्चन था उसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, जून 2019 में जो क्वेश्चन था उसी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा, जून 2019 में जो क्वेश्चन था, जून 2019 में जो क्वेश्चन था उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या था क्वेश्चन। देखिए द वैल्यू ऑफ द डेफिनाइट इंटीग्रल, लिख लीजिए क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द डेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ द डेफिनाइट इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ द डेफिनाइट इंटीग्रल जीरो से लेके पाई गिवन है, ओके, जीरो से लेके पाई गिवन है डी थीटा अपॉन फाइव प्लस फोर कॉस थीटा, इसका वैल्यू बेसिकली क्या होगा पूछा है। ऑप्शन ए में है आपका फोर पाई अपॉन थ्री है, ओके। ऑप्शन बी में आपको क्वेश्चन गिवन है टू पाई अपॉन थ्री, सी में गिवन है पाई, और ऑप्शन डी में गिवन है पाई अपॉन थ्री। बट हम लोगों ने तो स्टडी किया जीरो से लेके टू पाई, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है जीरो से लेके पाई। देखिए आराम से देखिए, अब इसके लिए आपको बट फॉरवर्ड आईडी अप्लाई नहीं करना है, आपको पहले इंटीग्रेशन को जीरो से लेके टू पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करें, बहुत इजी है, फुल साइकिल हाफ साइकिल गिवन है, फुल साइकिल लेना है मतलब टू से डिवाइड करना है ना, टू से डिवाइड कर लीजिए बस हो जाएगा ना। इसका हम लोग थोड़ा सा सोल्यूशन देख लेते हैं, बहुत इजी है, इतना बड़ा कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व मेथड अप्लाई नहीं करने वाले, स्ट्रिप को यूज करेंगे बेसिकली। आपके पास था क्या, जीरो से लेके पाई डी थीटा पाई प्लस फोर कॉस थीटा, ओके। अब इसको फुल साइकिल में कन्वर्ट कर लीजिए, हाफ जीरो से लेके टू पाई डी थीटा फाइव प्लस फोर कॉस थीटा। देखिए ए का वैल्यू फाइव है, बी का वैल्यू फोर है ना, ए का वैल्यू फाइव है और बी का वैल्यू फोर है। देखिए आराम से, ए का वैल्यू बी से ज्यादा है, है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है बेसिकली, या पे ए का वैल्यू बी से ज्यादा है, तो आप ट्रिक को यूज कर लीजिए, ऐसा भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। टू पाई अपॉन रूट अंडर फाइव स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर, ओके। सो बेसिकली आपको मिलेगा पाई अपॉन 25 माइनस 16 मतलब 5 अपॉन पाई अपॉन 3 आपको मिला। देखिए कितना सिंपल मेथड यूज करके हम लोग ये वाला प्रॉब्लम कर लिया, ये वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको ट्रिक को याद रखना होगा, एक जनरल मेथड है ये वाला, एक जनरल मेथड है, इस जनरल मेथड को आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर हम लोग टाइप 1 को कंप्लीट कर लिया, टाइप 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बताओ इसमें से कोई दिक्कत है किसी को, किसी को दिक्कत है टाइप 1 में, किसी को दिक्कत है क्या बताओ, ठीक है। अगर आपको टू पाई है तब तो क्वेश्चन इजी है, अगर आपको पाई गिवन है तब आप कर लीजिए।
ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, हम लोग टाइप टू में की तरफ आगे बढ़ेंगे। अनदर इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल? माइनस पाई से लेके प्लस पाई, वो तो फुल साइकिल ही है, तो उसके लिए भी वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। ओके, अगर क्वेश्चन में माइनस पाई से लेके प्लस पाई गिवन है तब भी ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक है, डोंट वरी, देखते देखिए, माइनस पाई से लेके प्लस पाई डी थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा गिवन है, देन ये वाला फंक्शन इवन फंक्शन है, अब इसको लिख लीजिए जीरो से लेके पाई डी थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, अब इसको फुल साइकिल में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब टू अपॉन टू जीरो से लेके टू पाई, मतलब सेमी रिजल्ट मिलेगा ना, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, डोंट वेरी एक बार इस कॉन्सेप्ट को एक बार चेक कर लीजिए। सो टू टू कैंसिल आउट किया, सो बेसिकली जीरो से लेके टू पाई डी थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के लिए माइनस पाई से लेके प्लस पाई आपको सेमी रिजल्ट देने वाला है। ओके, बट साइन के लिए जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा वाला पार्ट इज ऑड फंक्शंस। अगर माइनस पाई से लेके प्लस पाई ए प्लस बी साइन थीटा गिवन है तो आपको रिजल्ट जीरो मिलने वाला है। ओके, ठीक, क्लियर। ठीक है, साइन के लिए जीरो मिलेगा बस। ओके, चलिए टाइप टू, टाइप टू बेसिकली देखते हैं टाइप टू में बेसिकली क्या है। टाइप टू, टाइप टू का मतलब यहां पे माइनस होगा, ए माइनस बी साइन थीटा ए माइनस बी कॉस थीटा, उसके लिए भी सेम रिजल्ट आएगा, उसके लिए भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, हम लोग टाइप थ्री को थोड़ा सा फिर से कैलकुलेट करेंगे, टाइप टू वाला उसको आप जस्ट लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। टाइप टू में जो बेसिकली जो है टाइप टू में जो है ना, जीरो से लेके टू पाई डी थीटा ए माइनस बी साइन थीटा, जहां पे ए का वैल्यू बी से ज्यादा है तब इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा बेसिकली, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, बस घबराओ मत, आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और कॉस थीटा वाला भी आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है, बस आपको इसको जस्ट आप याद रख लीजिए, इसको आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, यहाँ पे ए का वैल्यू बी से ज्यादा होना चाहिए और होगा भी, और इसका वैल्यू आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, चलिए इसको आप याद रख लीजिए। रिमेंबर, टाइप थ्री के बारे में हम लोग बात करते हैं। टाइप थ्री, रिमेंबर टाइप थ्री के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा, क्या है टाइप थ्री लिख के रखिए आराम से। टाइप 3, आपके पास अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन गिवन है, टाइप 3 जीरो से लेके 2 पाई डी थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर भी यहां पे वैलिड होगा। ठीक है, और माइनस प्लस सबके लिए वैलिड है, बी टू माइनस ए टू बी टू होगा, सॉरी 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 यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, सॉरी 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 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा सा गलती किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू ज्यादा था ना,
थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये वाला इंटीग्रेशन हर एक फॉर्म के लिए वैलिड है, a प्लस बी कॉस थीटा, a माइनस बी कॉस थीटा, a प्लस बी साइन थीटा, a माइनस बी साइन थीटा, सबके लिए जो रिजल्ट मिलेगा सेम मिलेगा, ठीक है, सेम मिलेगा, सेम ही मिलेगा। नहीं उसके लिए वैलिड नहीं होगा इंटीग्रेशन, आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, तब तब आपको एक आई मिल जाएगा बेसिकली, आई 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 मिलेगा एक। देखिए अगर ए से बी ऐसा है ना, आपको एक आई मिलेगा बेसिकली, आई मतलब एक इमेजिनरी वैल्यू मिलेगा, एक इमेजिनरी आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है, आपको जस्ट एक इमेजिनरी मिलेगा यहाँ पे, मतलब आई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना होगा, आई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना होगा, इमेजिनरी रिजल्ट मिलेगा आपको, बट प्रोसेस सेम है, बट जो प्रोसेस हम लोगों ने किया सारे प्रोसेस सेम होगा, रिजल्ट भी सेम मिलेगा, बट इसमें आपको एक इमेजिनरी टर्म मिलने वाला है, इमेजिनरी टर्म मिलने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं दिया अभी तक ए लेस देन बी के लिए, ए ग्रेटर देन बी के लिए ही सारे क्वेश्चन मिला अभी तक, ठीक है, तो अगर ए लेस देन बी है क्वेश्चन में तो आपको इमेजिनरी मिलेगा रिजल्ट, बस इसी को आपको ख्याल रखिए थोड़ा सा, ठीक है, इसी को आप थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए, थोड़ा ख्याल रख लीजिए इसके ऊपर क्या क्वेश्चन में गिवन है, जैसे सारे क्वेश्चन ए ग्रेटर देन बी के लिए गिवन होता है हर बार क्वेश्चन में, जितना एग्जाम हुआ अभी तक 2022 तक बेसिकली ए ग्रेटर देन बी के लिए क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं टाइप थ्री के बारे में, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका रिजल्ट बेसिकली क्या होगा, इसका फॉर्म बेसिकली क्या होगा, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं टाइप थ्री को, हम लोग एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं, सेम और सिमिलर प्रोसेस है, आप ले लीजिए यहां पे जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा और डी जेड इक्वल्स टू आई ई टू द पावर थीटा डी थीटा, सो डी थीटा का वैल्यू आपको मिलने वाला है डी जेड अपॉन आई जेड, और कॉस थीटा का वैल्यू आप एकदम डायरेक्ट लिख लीजिए जेड प्लस वन प्लस जेड होगा, है ना, जेड प्लस वन प्लस जेड होगा, कॉस थीटा का वैल्यू अब एकदम डायरेक्ट लिख लीजिए हाफ जे प्लस वन प्लस जेड होगा, ठीक है। अरे हम लोग इंटीग्रेशन को देखते हैं, इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन वन अपॉन जेड, ठीक है, ए प्लस बी हाफ जेड प्लस वन बाय जेड इंटू होल स्क्वायर मिला आपको बेसिकली, दिस इज इक्वल टू सी डी जेड अपॉन वन अपॉन जेड, आपको मिलेगा क्या टू ए जेड प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर आपको मिलने वाला है, ओके यही मिलेगा। अब इससे आप बी को कॉमन ले लीजिए तो आपको बाहर वन बाय बी स्क्वायर मिलेगा सी, और एक आई भी मिलेगा, है ना, अच्छा एक सेकेंड देख लेते हैं कुछ गड़बड़ किया क्या, यहाँ पे एक टू जेट भी था, है ना, टू जेट भी था, ठीक है, यही बार रिजल्ट है। सो बेसिकली सी फोर जेट स्क्वायर इंटू डी जेट अपॉन आई जेड अपॉन अपॉन बी जेड स्क्वायर प्लस टू ए जेड प्लस बी होल स्क्वायर आपको मिला, जेड जेड कैंसिल आउट, जेड स्क्वायर जेड कैंसिल आउट कीजिए, सो बेसिकली आपको मिलेगा फोर अपॉन आई इंटू डी जेड, अब बी कॉमन ले लीजिए बाहर बी स्क्वायर आ जाएगा, सो जेड स्क्वायर प्लस 2a z upon b plus 1 यही आपको मिलने वाला है, ओके okay।
फाइनली आपको यही मिलेगा, आराम से लिखिए। हाँ हाँ रहेगा रहेगा, हाँ सही है। क्रॉस चेक कर लीजिए सही हुआ कि नहीं, एक बार क्रॉस कर लीजिए, मुझे वो बोल भी दीजिए ठीक है, तब जाके मैं आगे बढ़ने वाला हूं। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए अपना कैलकुलेशंस, मेरा कैलकुलेशंस एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है ओके, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फोर अपॉन आई बी स्क्वायर, तो इसके लिए हम लोग पोल कैलकुलेट कर लेते हैं। पोल सेकेंड ऑर्डर का पोल आपको मिलेगा, ये बात तो सही है, सेकेंड ऑर्डर का पोल आप जेड रहेगा। हाँ जी जेड रहेगा ठीक, ए यहाँ पे जेड ऊपर जेड रहने वाला है, ठीक 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 ऊपर एक जेड रहने वाला है, एक जेड रहने वाला है, जेड स्क्वायर कैंसिल आउट किया ना, एक जेड यहाँ पे रहेगा, जेड डिजिट आई बी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस टू ए जेड अपॉन बी प्लस वन, यही रिजल्ट मिलेगा है ना। यहाँ पे आपको देख के ही पता लग रहा है आपको सेकेंड ऑर्डर का पोल मिलेगा 100% श्योर। तो चलिए पोल कैलकुलेट कर लेते हैं, पोल डिनोमिनेटर पार्ट को ऑफ जीरो कर लीजिए। पोल कैलकुलेट करना है इसके लिए आपको जेड स्क्वायर प्लस टू ए जेड प्लस बी प्लस वन, इसका जो स्क्वायर फॉर्म है इसको जीरो करना होगा, मतलब आपको सेकेंड ऑर्डर का पोल मिलेगा। सो बेसिकली आपको मिला जेड स्क्वायर प्लस टू ए जेड प्लस बी प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। अगेन आप सीधा आचार्य का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और जेड का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, क्या मिलेगा माइनस टू ए अपॉन बी प्लस माइनस रूट अंडर फोर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू। ठीक है अब देखिए टू कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए अपॉन बी प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन मिला, फिर से आपको टू रिजल्ट मिलेगा, ए जेड इक्वल्स टू अल्फा ए माइनस बी माइनस प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन, और सेकेंड वाला पोल आपको मिलेगा जेड इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन। अभी देखिए अल्फा इज लेस देन वन है ना, यहाँ पे आपको देखना होगा अल्फा का मॉड लेस देन वन होगा और मॉड बीटा का वैल्यू आपका ग्रेटर देन वन होगा। सारे वैल्यू यहाँ पे रियल एक्सिस बराबर है बेसिकली, ठीक है सारे वैल्यू रियल है ना, तो कॉस थीटा के लिए सारे पोल बेसिकली रियल एक्सिस बराबर होगा, साइन थीटा के लिए इमेजिनरी प्लेन में होता है बेसिकली, मैंने उस टाइम गलती से कर दिया था थोड़ा। ओके यही मिला, सो बेसिकली जेड इक्वल्स टू अल्फा इज लाइज इनटू द कंटूर इनसाइड द कंटूर, इनसाइड द कंटूर, तो इसके लिए आपको जस्ट पोल को कैलकुलेट करना है। ओके ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत इजी मेथड है, सेम मेथड है बेसिकली, आपको करना नहीं है, एक बार जस्ट प्रोसेस को समझ लीजिए, रिजल्ट को आप याद रख लीजिए, प्रोसेस को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, रिजल्ट को आप याद रखिए। सो रेसिड्यू रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू अल्फा कैलकुलेट करना है, चलिए लिमिट जेड टेंस टू अल्फा, बट ये सेकेंड ऑर्डर का पोल है ना, तो आपको सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, टू माइनस वन फैक्टोरियल डी अपॉन डी जेड इंटू जेड माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक जेड था है ना, देखिए आराम से एक जेड था, एफ ऑफ जेड मतलब जेड अपॉन जेड माइनस अल्फा का होल स्क्वायर जेड माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये वाला एक दूसरे से कैंसिल आउट किया बेसिकली। ओके कैंसिल आउट किया ना, हम लोग अभी इसको सॉल्व कर देते, थोड़ा आराम से सॉल्व करिए, लिमिट जेड टेंस टू अल्फा वन फैक्टोरियल डी अपॉन डी जेड इंटू जेड अपॉन जेड माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये मिला बेसिकली। ठीक है अब इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है, लिमिट जेड टेंस टू अल्फा, इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, जेड माइनस बीटा का होल टू दी पावर फोर मिलने वाला है, जेड माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिजिट का डेरिवेटिव वन मिलेगा, माइनस माइनस
टू इंटू जेड माइनस बी इंटू जेड, यही मिलेगा है ना, यही मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब देखिए, अब न्यूमरेटर से जेड माइनस बीटा कॉमन ले लीजिए और डिनोमिनेटर के साथ थोड़ा सा घटा दीजिए, थोड़ा घटा दीजिए, लिमिट जेड टेंस टू अल्फा, यहां पे होगा जेड माइनस बीटा इंटू माइनस टू जेड अपॉन जेड माइनस बीटा का होल क्यूब मिलने वाला है। ओके, कैलकुलेशन स्टाइल को अगर फॉलो कीजिए, आराम से कैलकुलेशन स्टाइल को फॉलो कीजिए, जेड माइनस बीटा माइनस टू जेड, जेड माइनस बीटा होल क्यूब आपको रिजल्ट में मिला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फाइनली जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, लिमिट जेड टेंस टू अल्फा माइनस टू माइनस जेड अपॉन माइनस जेड माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस बीटा का होल क्यूब। सो बेसिकली आपको मिलेगा माइनस जेड टेंस टू अल्फा जेड प्लस बीटा अपॉन जेड माइनस बीटा का होल क्यूब, ठीक है। सो नाउ क्या मिलने वाला है, माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब का रिजल्ट आएगा, ठीक है। आराम से देखिए, कैलकुलेट करते चलिए, कैलकुलेट करते चलिए, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको जस्ट सॉल्व करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको जस्ट पुट करना होगा। अल्फा का वैल्यू क्या था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू क्या था बताओ भाई, थोड़ा देख, माइनस ए बाई बी प्लस रूट ऑफ आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन प्लस, माइनस आ जाएगा ना इसमें, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया दूसरे से। सो बेसिकली आपको मिलेगा क्या, टू ए अपॉन बी। ओके, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, माइनस ए अपॉन बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस ए अपॉन बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन, ए माइनस बी एक दूसरे कैंसिल आउट किया। सो बेसिकली आपको रिजल्ट मिलेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वन, इस दोनों का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, देखिए आपका रेसिड्यू क्या मिला बेसिकली। सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, दिस वैल्यूज, इस दोनों का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको जो रेसिड्यू मिलेगा, माइनस एक बाहर था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको मिला माइनस टू ए अपॉन बी, और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको मिलेगा रूट अंडर छोड़िए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वन होल टू द पावर थ्री बाई टू मिला। ओके, यही मिलेगा ना, यही मिलेगा, यही मिलेगा। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, टू ए अपॉन बी, यहां से क्या निकल के बाहर आ रहा है, बी क्यूब आ रहा है बाहर। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल थ्री बाई टू और बी क्यूब बाहर आ गया बेसिकली। ओके, सो बेसिकली रिजल्ट मिलेगा टू बी स्क्वायर, टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन थ्री बाई टू मिला। अब आप जब इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे, देखो देखना है, आपको याद रखना है, बाहर में एक वन अपॉन बी स्क्वायर भी है, एक आई भी था शायद, नहीं आई था, नहीं था ना, क्या था इंटीग्रल में एक बार चेक कर लीजिए भाई, शायद यहाँ पे कोई गड़बड़ किया हम लोग, नहीं किया ना, नहीं किया, कुछ माइनस माइनस का गड़बड़ किया क्या, अच्छा एक बार देख लीजिए कॉपी को, अच्छा आराम से देख लीजिए, कुछ माइनस माइनस का गड़बड़ किया क्या, नहीं किया,
अच्छा नीचे आया था ना, नीचे आया ना, तब ठीक है, चलिए नीचे आया था ना, डिनोमिनेटर में आई है, देखिए आराम से, तब ठीक है, तब ठीक है। चलो इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया इसका वैल्यू बेसिकली क्या है, 4/IB² था, है ना, 4/IB² था ना, अरे देख के बताओ भाई, 4/IB² था। तो इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल थ्योरी 4/IB² into 2 pi i into 2ab² / a² - b² / 3/2। अब देखिए कहां से कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ कुछ गड़बड़ हुआ क्या? चेक करिए, डिनोमिनेटर में 2 था, शायद 2 था, शायद अच्छा एक बार फाइनल कैलकुलेशन करके बताइए क्या हुआ, हम तो सारे मिटा दिया ना बेसिकली, नहीं 16 नहीं आएगा भाई, देखिए यहाँ पे एक 2 था शायद, इसका वैल्यू यहां पे मैंने गड़बड़ किया, शायद कुछ गड़बड़ किया, चेक कर लीजिए इस पोर्शन के, देखिए चेक करिए, एक लाइन यहां एक 2 मिस किया, 2 क्यूब, हाँ यहां पे मैंने मिस किया इस पोर्शन में, यहां पे एक 2 क्यूब होगा बेसिकली, चेक कीजिए क्या कर रही हो भाई, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब था ना नीचे में, हाँ वही था, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बेसिकली क्या था, 2 था, 2 a² - b² - 1 यही था ना। सब देखिए अल्फा माइनस बीटा का जो होल क्यूब है इसका वैल्यू 2 a² - b² / 3/2 आ रहा है ना, तो देखिए 2 क्यूब बेसिकली ऑलरेडी मिस हो गया, यहाँ पे 2 क्यूब होगा ऑलरेडी, एक 2 क्यूब हम लोगों ने मिस किया, अरे भाई देखते नहीं हो आराम से, 2 क्यूब होगा एक, इसीलिए आंसर नहीं मियां छोड़ा है, देयर विल बी 1/8 इन डिनोमिनेटर, एग्जैक्टली हाँ ऐसा ही है, 8 आ गया, एक देखिए 8 आ गया, सो बेसिकली क्या रिजल्ट आएगा, 8 IIBB कैंसिल आउट, मतलब 2 pi a / a² - b² / 3/2 यही मिलेगा बेसिकली, हम लोग इसको मिस किया था, थोड़ा सा क्या फूल हो जाइए, इस टाइप का सिली मिस्टेक बहुत होता है, थोड़ा सा क्या फूल हो जाइए, तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, सो आपको याद क्या रखना है बेसिकली, देखिए 0 से लेके 2 pi d theta / a + b cos theta² और a - b cos theta² सारे लिख लीजिए, होल स्क्वायर और माइनस के फॉर्म में d theta a - b cos theta² होल स्क्वायर, सारे का रिजल्ट
वैल्यू आपको मिलेगा बेसिकली 2πa अपॉन रूट अंडर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3/2। प्लीज रिमेंबर इसको आपको भूलना नहीं है, इसको आपको भूलना नहीं है। नहीं पाई ये नहीं आएगा, 2πa आएगा, आराम से देखिए 2πa आएगा, 2πa आएगा, 2πa। देखिए 8 कैंसिल आउट हो गया ना, यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2πa आएगा, 2πa आएगा, आराम से देखिए। डिनोमिनेटर में जस्ट एक 8 मिसिंग था, हम लोग 8 को कैलकुलेट किया तो आपको न्यूमिरेटर में 16 मिलेगा और 8 से डिवाइड कर लो 2 मिलेगा, 2πa मिलेगा। हाँ 2πa, एक बार चेक करिए, चेक कर लीजिए, 2πa अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 आपको मिलेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस 3/2 आपको मिलेगा। ओके इसका वैल्यू आप याद रख लीजिए, टाइप 3 का वैल्यू। नेक्स्ट जो फाइनल वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है आपको, जस्ट इसको याद रखना है, रिजल्ट को आपको जस्ट याद रखना है, रिजल्ट को आपको जस्ट याद रखना है। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर आगे बढ़ू, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे वाले क्या आगे बढ़ते, टाइप नंबर 4 के टाइप नंबर फोर कैलकुलेशन सबका सेम ही होगा, इससे कोई कंफ्यूजन वाला बात ही नहीं है, ठीक है। देखिए टाइप नंबर फोर इतना खास नहीं है बेसिकली, TIFR का क्वेश्चन में एक बार आया था टाइप नंबर 4 से, इसलिए मैंने इसको निगलेक्ट नहीं किया। नेट का क्वेश्चन में अभी तक तो नहीं है टाइप नंबर फोर, TIFR क्वेश्चन में आया था बेसिकली इंटीग्रेशन 0 से लेके 2πa डी थीटा अपॉन 1 माइनस 2π साइन थीटा माइनस पी स्क्वायर, या फिर कॉस थीटा भी हो सकता है, ठीक है, घबराओ मत। तो इसके लिए रिजल्ट बेसिकली क्या होगा, और पी स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 1 होगा। ओके पी स्क्वायर का वैल्यू बेसिकली लेस देन 1 होने वाला है, स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 1 होगा। TIFR में बेसिकली वाला क्वेश्चन आया था, इसका जो इंटीग्रेशन होता है 2πa अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर होता है। ओके उसको याद रख लीजिए, इसको आप याद रख लीजिए 1 माइनस पी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा था TIFR के क्वेश्चन में, TIFR का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा था, उसमें पूछा था 2πa अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। उसी तरह सेम मेथड आपको अप्लाई करना है साइन थीटा के फॉर्म में, साइन थीटा का जो वैल्यू है 1 अपॉन 2iz माइनस 1z और डी थीटा dz अपॉन 1z, इसी को यूज करके करना है बेसिकली, सिंपलेस्ट कैलकुलेशन से, इससे कोई घबराने वाला बात नहीं है, जैसे इसको याद रख लीजिए, फॉर्म को याद रखिए, माइनस है दोनों में माइनस है, या फिर cos थीटा भी हो सकते हैं, सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट फाइनल टाइप को आप एक बार लिख लीजिए टाइप नंबर 5। यार एक्स्ट्रा है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं है अभी तक नहीं है, मुझे लगा शायद कॉपी में होना चाहिए इसीलिए मैंने इसको
पढ़ा रहा हूं बेसिकली। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया इस टाइप से, किताब में मिला अच्छा एक इस टाइप का क्वेश्चन, तो मैंने इसको लिख दिया यहां पे। टाइप फाइव, फोर्थ टाइप इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है ऑल्टरनेटिव फॉर्म में, इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। जीरो से लेके टू पाई ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो रिजल्ट होता है टू पाई अपॉन रूट अंडर वन प्लस ए स्क्वायर होता है। ओके, अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया, मुझे लगा एक कॉपी में होना चाहिए, थोड़ा इतना भी कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट नहीं है याद रखने के लिए, तो थोड़ा सा आप इसको याद रखिए, अब इसको भी थोड़ा सा याद रखिए, बस खत्म हुआ। इस फाइव टाइप को अच्छे से हैंडल कर लीजिए, प्रैक्टिस करा लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा जो क्वेश्चन से इसी के ऊपर थोड़ा सा एक होमवर्क दे देते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर वन सॉल्व करना है बेसिकली आपको, इंटीग्रेशन जीरो से लेके टू पाई फोर अपॉन फाइव प्लस फोर साइन थीटा डी थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर वन में। एग्जाम्पल नंबर टू जीरो से लेके टू पाई, जीरो से लेके टू पाई डी थीटा माइनस रूट टू माइनस कॉस थीटा, रूट टू माइनस कॉस थीटा। अब देख के आंसर आपको मिलेगा बेसिकली, रूट टू माइनस कॉस थीटा। एग्जाम्पल नंबर थ्री जीरो से लेके पाई डी थीटा फाइव माइनस थ्री कॉस थीटा। ओके, बस चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन बेसिकली बनता है बेसिकली। टू पाई जीरो से लेके पाई डी थीटा फाइव माइनस थ्री कॉस थीटा। अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, और प्रैक्टिस के लिए जो मेथड और स्टाइल हम लोगों ने सीखा, इसी स्टाइल को एक बार प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस को अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जीरो से लेके टू पाई कॉस टू थीटा अपॉन फाइव प्लस फोर कॉस थीटा। ठीक है, इसका जो आंसर है मैं आंसर गिवन कर देता हूं, उसका क्या होगा, इसका आंसर पाई बाय सिक्स होगा। ओके, इसका जो आंसर होगा आपका पाई बाय सिक्स होने वाला है। ओके, चलिए फाइव फोर प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो जो एप्लीकेशन वाला जो टाइप वन, एप्लीकेशन नंबर वन था, हम लोग इसको कंप्लीट किया बेसिकली, ठीक है। कल का क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या लिखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी, इस टाइप का इंटीग्रेशन को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग को कैसे सॉल्व करना है बेसिकली, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इस
इस थ्योरी में किसी को डाउट है? इस थ्योरी के थ्योरी में ऊपर किसी को डाउट है तो बताओ 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 बताओ। डाउट है क्या? ठीक है चलिए, 2:30 बजे का जो क्लास होगा उसमें हम लोग फ्री आर्ट्स ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ाई करेंगे, जितना तक हो गया। हाँ ठीक है ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ाई करेंगे, जितना तक हुआ उससे आगे बढ़ेंगे। 3 बजे से क्लास होगा, ठीक है, थोड़ा सा बहुत गर्मी है, 3 बजे से क्लास होगा, बहुत गर्मी है, 3 PM से क्लास होगा, ठीक है। क्लास 3 PM से होगा, स्टार्ट क्लास 3 PM से होगा, ओके चलिए ठीक, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं।